नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय भारती और आपका स्वागत है मेरे चैनल विजय भारती पर। और मैं आज आया हूं मिरर एंड मी सैलून में, जहां मैं अक्सर आता हूं अपने हेयर कट के लिए। और यहां पर मेरे छोटे भाई विकेश बाबू है और मैं आपकी मुलाकात कराता हूं उनसे। बाबू से ये है विकेश। नमस्ते दादू, आपका चैनल है और मैं आपसे आज से नहीं, आपने मुझे बनाया है इंडस्ट्री में। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरी और विकेश की मुलाकात आज से कम से कम 12 साल पहले हुई थी उत्तरकाशी में, जब मैं एक शूटिंग पे था और उस समय मुझे विकेश मिला था। ये उस पर मैं छोटा होता था, गांव में ही रहा करता था और उसके बाद ये देहरादून आया और बहुत मेहनत करके इसने सैलून को खड़ा किया। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि विकेश जो है आज बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रहा है और बहुत सारे सेलिब्रिटी उत्तराखंड इंडस्ट्री के बड़े से बड़े एक्टर हों, डायरेक्टर हों, हीरोइंस हों, वो लोग यहाँ पर आते हैं अक्सर और रिकमेंड करते हैं। और जैसा मैं इंडस्ट्री की बात दादू ने किया हेयर इंडस्ट्री के, एक्टिंग इंडस्ट्री में जो मुझे विलन बनाने का जो काम किया है हमारे दादू, हमारे बड़े भैया, और दादू बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। तो जैसे दादू ने कहा कि मैं आज से नहीं 12-13 साल से जानता हूँ दादू को, तो बस ये आशीर्वाद मिला मुझे माँ भगवती का, मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। और विकेश ने मेरे साथ भी 2-3 मेरे ख्याल से सॉन्ग्स किए हैं बहुत अच्छे, और एक हमने शॉर्ट फिल्म भी करी थी जी। तो काफी अच्छा हमको अनुभव रहा और साथ काम करने का, और भविष्य में भी हम लोग साथ काम करते रहेंगे। और जैसे कि अभी आप लोगों ने मेरी फिल्म देखी है दादी को बक्सा, तो दादी को बक्सा में भी एज ए मेकअप आर्टिस्ट विकेश ने काम किया है और बहुत बेहतरीन मेरे जो आर्टिस्ट थे जिनका इन्होंने मेकअप किया हीरोइन का और खुद मेरा भी, तो बहुत लोगों ने उसे पसंद किया है। और आपको बता दूं कि विकेश जो है उत्तराखंड इंडस्ट्री में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का भी मेकअप कर चुके हैं, जैसे जुबिन नौटियाल जी का मेकअप इन्होंने किया है। और कुछ आप बताएं बॉलीवुड का, जैसे हमने साहिब जी शिंदे हो गए, ठीक है, अभी जब अपनी फिल्म आई थी बाटला हाउस में, उसमें भी काफी जो एक्टर है उनका काम किया था, और काफी सारे हैं, बहुत सारे हैं, लिस्ट बड़ी है, पर बाकी के दादू के आशीर्वाद से इस इंडस्ट्री में बढ़ा हूँ आगे। तो यही मेरा बोलना है कि ये तो इनका बड़प्पन है कि ये ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये काम कर रहे हैं तो यकीनन कुछ तो बात होगी, कुछ तो खास होगा कि इनको बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम करने का मौका मिला। और निश्चित तौर पर जब आप अच्छे प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। विकेश ने बहुत कुछ सीखा है और जाना है, और बहुत अच्छे इंसान भी हैं सीखने के साथ साथ, है ना, तो बहुत मृदुभाषी हैं, जिससे भी मिलते हैं आप ऐसा लगता है आपको कि आप पहली बार नहीं मिल रहे हो, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सालों से हम लोग दोस्त होंगे, बहुत सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। और यही एक खासियत होती है एक इंसान में, एक कि अपने काम को जो है आगे इस स्तर पे लेके जा सकता है। ये जो दादू ने कहा है, ये सब ऐसे बड़े बड़े लोगों से साथ रहने से मुझे सीखने का मौका मिला, जो कि छोटा मोटा जो भी मैं आज बना हूँ ये दादूओं के आशीर्वाद से, और ऐसे जितने बड़े लोग हैं मैं उनके आशीर्वाद से, और अपने पितरों के और अपने माँ भगवती के आशीर्वाद से। तो विकेश, ये हमारी आपके लिए दुआ कह सकते हैं और ये ब्लेसिंग्स है कि आप बहुत अच्छा राइज करें, आपका सैलून जो है जिसको आप संभाल रहे हैं मिरर एंड मी सैलून, जो कि देहरादून में है 6 नंबर पुलिया के पास नेहरू ग्राम में। और आप लोग को जब भी अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए हो हेयर का, स्किन का, तो आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ और आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, यकीन मानिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी ये यूज़ करते हैं। तो मेरी ब्लेसिंग से आपको कि आप बहुत अच्छा काम करें। तो आइए हम आपको इनके सैलून का कुछ दिखाते हैं।